नमस्कार, मैं रेणुका दत्ता घर जंक्शन के इस सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं बिरला वान्या प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत खूबसूरत और नेचर के करीब प्रोजेक्ट है। तो आज इस हम प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में, प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट्स में कितने वेरिएशंस मिलते हैं उसके बारे में, प्रोजेक्ट में आपको क्या एमिनिटीज़ मिल रही है और इस प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट क्या है। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोजेक्ट को। चलिए, बिरला वान्या प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। बिरला आपको नाम में ही ब्रांड मिलता है, तो इसके साथ जो एसोसिएट्स है उसके बारे में हम और थोड़ा जान लेते हैं। तो बिरला वान्या में जो लैंडस्केप यूज़ किया गया है वो सिंगापुर बेस्ड लैंडस्केप है। हाँ राइट, सिंगापुर बेस्ड। और इसमें जो आपको आर्किटेक्चर पार्टनर है वो जो है हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर पार्टनर में मिलता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, इनके कंस्ट्रक्शन जो पार्टनर है वो शाहपुरजी पालनजी कंस्ट्रक्शन पार्टनर है। तो आप समझ सकते हो कि इस बिरला प्रोजेक्ट में आपको कितने अपग्रेड और कितनी फैसिलिटेड हर एक चीज़ मिलने वाली है। बिरला वान्या प्रोजेक्ट जो है 21 एकर के लैंड पार्सल पे बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि 70% से ज़्यादा जो स्पेस है ये ओपन रखा गया है। मतलब इससे आप नेचर से बहुत ज़्यादा करीब रहे, इसके लिए आपको जो है 70% से ज़्यादा स्पेस ग्रीनरी के लिए रखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, 21 एकर के लैंड पार्सल पे सिर्फ और सिर्फ 7 टावर्स बन रहे हैं। इसमें जो है ग्राउंड प्लस 5 तक जो है आपको कार पार्किंग मिलती है, और उसके बाद जो है 35 तक आपके फ्लैट्स अवेलेबल है जिसमें आपको वेरिएशंस देखने मिलते हैं। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, 14,000 स्क्वायर फीट में जो है आपका क्लब हाउस बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड होती है। एमिनिटीज़ जैसे कि यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल है, सीनियर सिटीजन एरिया है, वॉकिंग ट्रैक है, किड्स प्ले एरिया है, जिम एरिया है, बैंक्वेट हॉल है, ऐसे 30+ एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, जो 70% से ज़्यादा ओपन एरिया इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे जो भी रहे वो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहे। जिसे नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको एयर वेंटिलेशन, फ्रेश एयर चाहिए, उनके लिए जो है ये प्रोजेक्ट एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें हर एक चीज़ प्लस पॉइंट दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि कनेक्टिविटी में हमें क्या प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो शहर स्टेशन जो है आपको 650 मीटर्स की दूरी पर है। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ 2 से 3 मिनट की दूरी पर यहाँ पे आपको शहर स्टेशन है। कल्याण स्टेशन यहाँ से आपको 3.5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ से जो आपको रोड कनेक्टिविटी भी बहुत ईजीली है। मतलब यहाँ पे आपको 24/7 ऑटोज, बस अवेलेबल हो जाते हैं। रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से आप डोंबिवली भी ईजीली कनेक्ट होते हो, जहाँ से आप थाने वाशी कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ से जो है आप बदलापुर अंबरनाथ भी इजीली कनेक्ट हो सकते हो वाया रोड, वाया ट्रेन। तो आप देख सकते हो कि कनेक्टिविटी में भी ये प्रोजेक्ट जो है हमें प्लस पॉइंट देता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम बहुत ज़्यादा लग्जरियस और ब्यूटीफुल फ्लैट देखने वाले हैं, तो ऐसे ही एक फ्लैट में अभी हम हैं जो कि है 4 BHK, और फ्लैट का जो स्क्वायर फीट है वो 1315 में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ये हमारा लिविंग रूम देखें तो आप खुद ही देख सकते हो कि लिविंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें आप जो है आपका पूरा सेटअप करने के बाद, आपका वॉचिंग टीवी, आपका जो है पूरा सोफ़ा बेड सेटअप करने के बाद भी आपको बहुत ओपन स्पेस अवेलेबल होता है। और इसके ही साथ में जो है आपको यहाँ पे अटैच बालकनी दी गई है, और अटैच बालकनी भी जो है आपकी अच्छी संडेक बालकनी है, जहाँ पे आप आपका कॉफ़ी टेबल वगैरह सेटअप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बालकनी में भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, और यहीं से आपको जो है वेंटिलेशन फैसिलिटी, लाइट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप आपका छोटा कॉफ़ी टेबल भी रख सकते हो और सनसेट और सनराइज़ का मज़ा ले सकते हो। तो ये है हमारी बालकनी। अगर हम बालकनी से आगे बढ़े तो हमारे लिविंग रूम में ही आपको डाइनिंग टेबल का भी एरिया मिलता है। आप देख सकते हो कि डाइनिंग टेबल के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, और सबसे बेस्ट चीज़ आपका डाइनिंग टेबल आपके किचन के एग्जैक्ट बाजू में आता है। तो आपको ऐसे
बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल मिल जाता है, और यहीं पे जो है आपको एक छोटा और स्पेस अवेलेबल हो जाता है जिसे जो है आप पूजा घर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बुक शेल बना सकते हो, लाइब्रेरी बना सकते हो आपकी छोटी सी, जो आप चाहे वो कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम लिविंग रूम और डाइनिंग रूम से आगे बढ़े तो ये हमारा किचन, और आप जैसे कि किचन देख पा रहे हो, किचन बहुत ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। यहाँ पर आपको दो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और इसमें जो है आपको ये कंपार्टमेंट्स भी अवेलेबल होंगे, नीचे के कंपार्टमेंट्स भी आपको आपके फ्लैट के साथ मिलने वाले हैं। देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट में जो है आपका किचन डिवाइडेड है, और यहीं पे जो है आपको रेफ्रिजरेटर के लिए भी पूरा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप आपका रेफ्रिजरेटर सेटअप कर सकते हो। देख सकते हो कि आपके किचन में आपको जो है एक अटैच और छोटी बालकनी मिलती है जिसमें जो है आप आपका वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हो। वॉशिंग मशीन के लिए भी स्पेस दिया गया है। तो ये हमारा था किचन। किचन से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे चाइल्ड बेडरूम्स की तरफ, जो कि दो बेडरूम्स है। तो सबसे पहला अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा है। आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप लिविंग और आपका जो स्पेस है बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस है, बहुत ओपन स्पेस है, जो हमें मोस्टली देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे आप उनके लिए, उनको चाहिए तो छोटा गेमिंग रूम भी सेटअप कर सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जो है आपको विंडो भी प्रोवाइड की गई है, जहाँ से एयर और वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। तो ये आपका पहला बेडरूम था। सोचिए अगर आपका पहला ही बेडरूम इतना खूबसूरत और बड़ा है तो आगे के और क्या होंगे। तो चलिए मैं ये टेंशन भी दूर करती हूँ और दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हमारा सेकंड चाइल्ड बेडरूम है। अगर हम देख पा रहे हैं तो आप खुद ही देखिए कि बेडरूम में कितना ज़्यादा मूविंग स्पेस है, और वहाँ पे आपको जो है कबर्ड के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। आप आपका छोटा सा कबर्ड भी यहाँ पे आपके बच्चों के लिए डेकोर कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे चाहिए वैसे उनके लिए बुक शेल्फ, स्टडी टेबल, टीवी, गेमिंग रूम सब बना सकते हो। और इसके साथ ही आपको जो है अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। ऐसे नहीं, और आप देख सकते हो कि वॉशरूम में जो भी चीज़ें यूज़ की गई है पूरी ब्रांडेड है। नल से लेके यहाँ पे बेसिन तक सब कुछ आपको ब्रांडेड मिलेगा। तो सब ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे वाटर सप्लाई भी 24/7 है। तो इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं, और यहाँ पे भी आपको एक छोटी विंडो दी गई है, और आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये था आपका बेडरूम, और आपको बेडरूम के साथ जो है अटैच वॉशरूम भी दिए जा रहे हैं। तो आपका जो ये दोनों अपने चाइल्ड बेडरूम जो देखे, दोनों के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलेंगे। तो ये थे हमारे दो बेडरूम, और इसके एग्जैक्ट सामने आपको और दो बेडरूम मिलते हैं। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अगर इसके सामने आपको बात करें तो यहाँ पे जो है आपको एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है। अगर आपके गेस्ट आते हैं और आप चाहते हो कि आप आपका बेडरूम रिवील ना करो, या मैसी है या कुछ आप दिखाना नहीं चाहते, तो डायरेक्टली आप जो है उनको एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पे आपको दिया गया है। और कॉमन वॉशरूम भी बहुत अच्छे से यहाँ पे रखा गया है। हर चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड यूज़ की गई है। सेम वाटर सप्लाई 24/7 रहेगा। जैसे चाहिए आप आपका वॉशरूम खुद से डेकोर भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि बहुत कंजेस्टेड बनाया गया है आपका बाथरूम। तो देख सकते हो कि आपका वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एग्जैक्ट कॉमन वॉशरूम के सामने जो है आपको आपका फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। अगर हम बेडरूम की बात करें तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपको बेडरूम में जो है कितना अच्छा स्पेस दिया गया है। और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस है। बेड रखने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। आप देख सकते हो कि बेडरूम के ये साइड में अगर आप चाहो तो आपका बुक शेल, रीडिंग लैम्प, या आप आपका छोटा बुक शेल बना सकते हो। उसके बेड के एग्जैक्ट सामने आप आपका टीवी भी सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको बैठ के बुक रीड करना पसंद है आपके विंडो के साइड में, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा चेयर लगा के आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये आपको जो है यहाँ पे विंडो दी गई है, जहाँ से आपका वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कबर्ड स्पेस भी मिलता है, कि आप आपका कबर्ड पूरी तरह से बना सकते हो, आप जैसे चाहिए वैसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो मैंने मोस्टली फ्लैट्स में नहीं देखी, कि यहाँ पे आपको जो है एक रेडी रूम दिया गया। मतलब आप आपके वॉशरूम से सीधा बाहर निकलते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो सकते हो। यहाँ पे आप आपका मिरर सेटअप कर सकते हो जैसे चाहिए वैसे, और यहाँ पे जो है आप आपका पूरा जो आप चाहिए वैसे रख सकते हो। मतलब आपका हेयर ड्रायर हो गया, जो भी चीज़ें हो गया, आपके फेस प्रोडक्ट हो गए, पूरा आप आपका रेडी रूम यहाँ पे बना सकते हो। और इसके सामने ही जो है आपको वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम आप देख सकते हो कि दो कंपार्टमेंट्स में, मतलब दो इसमें डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका बाथरूम है,
मतलब यहाँ पे आपका शॉवर है और यहाँ पे पूरा आपका जो है वॉश बेसिन है, यहाँ पे भी सब चीज़ें ब्रांडेड है। मैं बार बार बता रही हूँ कि किसी भी बाथरूम में या किसी भी इसमें कोई भी चीज़ जो है हर एक चीज़ ब्रांडेड बनाई गई है यहाँ पे। ये था आपका थर्ड बेडरूम। तो थर्ड बेडरूम से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हम हमारे लास्ट बेडरूम फोर्थ बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं हम। तो ये है हमारा फोर्थ बेडरूम, आप देख सकते हो फोर्थ बेडरूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। देख सकते हो आप यहाँ पे जो है आपको बेड रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे आपको। फिर से एयर, इसकी तो आपके हर रूम में फैसिलिटी दी गई है वेंटिलेशन की, उसके लिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको कबर्ड स्पेस अवेलेबल हो जाता है, देखो आप जैसे चाहिए वैसे डेकोर कर सकते हो आपका ये कबर्ड स्पेस। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको जो है आपका मूविंग स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप जैसे चाहिए वैसे आपका रेडी रूम सेटअप कर सकते हो जैसे चाहिए ऐसे। तो ये था हमारा टोटल 4 BHK का। ऐसे ही आपको इसमें जो है बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। तो हमें जो है यहाँ पे 4 वेरिएशंस देखने मिलते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK। तो हमने हमारे शो फ्लैट में तो 4 BHK देख लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपका 1 BHK वो 450 स्क्वायर फिट में बना हुआ है, और आपका 2 BHK में आपको 729 जो है स्क्वायर फिट देखने मिलते हैं, और 3 BHK में आपको 992 स्क्वायर फिट मिलते हैं। को ऐसे 4 वेरिएशंस यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ख़ास बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी कस्टमर 4 BHK ले रहे तो उनको उनकी लॉबी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हाँ राइट, मतलब आपको लॉबी से ही आपका फ्लैट पूरा चालू होता है, क्योंकि लॉबी आपको पूरी तरह से मिलती है आपकी लॉबी, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो। पूरा का लॉबी का स्पेस जो है 4 BHK जिसका भी फ्लैट होगा, जिस कस्टमर का फ्लैट होगा उनको पूरा लॉबी मिलता है। तो यहाँ पे आप आपका चप्पल शेल जो भी चाहिए बना सकते हो, जैसे चाहिए आपकी लॉबी तक डेकोर कर सकते हो। तो पूरा लॉबी का स्पेस भी आपको जो है आपके फ्लैट के साथ मिलता है, प्राइवेसी आपको आपकी पूरी तरह से मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे जो है अच्छी लॉबी के साथ जो है आपको सोसाइटी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। इट मींस कि आपको जो है यहाँ पे 4 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस मिल रहे हैं, इससे जो है आपकी सोसाइटी की कनेक्टिविटी बहुत कन्वीनियंट हो जाती है।
तो हमने बिरला वान्या प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है, पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, डिटेल्स में देख भी लिया है। बट इसके अलावा भी आपको प्रोजेक्ट कर लेकर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और आप इमीडिएट आंसर चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका कमेंट का रिस्पॉन्ड इमीडिएट करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, शो फ्लैट देखना चाहते हो, सैम्पल फ्लैट देखना चाहते हो, तो आप हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करिए, जिससे कि आप पूरा प्रोजेक्ट खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐसी अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे साथ बने रहिए। और अगर कोई घर देख रहे जिनको नेचर के करीब घर चाहिए तो आप उनके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देख पाए, एक्सप्लोर कर पाए और जानकारी ले पाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।